हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार्म एंड चिजल। आज का वीडियो एक हॉल पे है, बेसिकली शुगर हॉल। तो रिसेंटली ही शुगर पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। और जो मैंने शॉपिंग की है इनको 2 बैचेस में की है। जब मैंने पहली बार शॉपिंग की थी तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, आई थिंक 1200 और 1300 के साथ, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक ऐसा ग्लिटरी पिंक कलर का रोज़ गोल्ड का एक बैग फ्री मिलेगा। तो मुझे इस तरह का एक बैग फ्री मिला। एंड सेकेंड टाइम जब मैंने की, मुझे एक शुगर की ये मिनीस फ्री मिली। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं उनमें से मैंने कुछ को यूज़ कर लिया है एंड कुछ को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो मैं आपको साथ के साथ उनका रिव्यू भी देती जाऊँगी, नॉट अ डिटेल्ड रिव्यू, बट हाँ आपको कुछ हद तक बता दूँगी कि ये कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी है एंड ऑल। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया चारकोल फेस मास्क। इसको मैंने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ किया, बिकॉज मुझे आजकल एक्ने हो रहा है, मुझे ओपन पोर्स के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चारकोल फेस मास्क ट्राई किया जाए एंड ओपन पोर्स को कम किया जाए। तो इसमें क्या है, इसमें चारकोल पाउडर है, इसमें ग्रीन टी है, इसमें कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स है, इसमें एलोवेरा जेल है, जो कि हेल्प करता है आपके पोर्स को रिड्यूस करने में, आपकी स्किन को ब्राइटन करने में। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड देन आपको स्किन टोनर का यूज़ करना है। देन आप इसको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे अच्छे से और उसको 15 से 20 मिनट तक रखे रखना है। एंड उसके बाद आपको मास्क को निकाल देना है। एंड मास्क निकालने के बाद थोड़ा सा सीरम जो होगा आपके फेस पे होगा, उसको आपने अच्छे से जेंटली मसाज देनी है ताकि जितना भी सीरम है वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद मैंने लिया ये शुगर का एक नेल पेंट जो कि मोर टवर्ड्स डस्टी ब्लू कलर में है एंड जो इसका शेड है 50 स्टील दी स्लेट। एंड ये लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड आप इसको वेस्टर्न वियर के साथ वियर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड जो इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 200 है। तो नेक्स्ट मैंने चूज़ कीटिंग मॉइस्चराइज़र, तो जो कि 01 गोल्ड शेड में है। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको इसका अच्छे से रिव्यू दूंगी कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शुगर की ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जो इनकी पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ईजी टू कैरी हैं, कि ये नहीं है कि अब जब भी हम ट्रैवल करते हैं कि हमें एक बड़ा सा बैग लेना पड़ेगा अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। आई थिंक ये बहुत छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स हैं एंड आप इसको इनको ईजीली कैरी कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है एंड ये कैसे लगता है। तो मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं, ओ वाओ, ये गोल्डन सा इफ़ेक्ट दे रहा है, जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे मॉइस्चराइज़र में हाइलाइटर और कुछ ग्लिटरी इफ़ेक्ट दिया हो। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है एंड आई थिंक यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका और बता पाऊँ ये कैसा है कैसा नहीं, बट मुझे अभी तक ओके लगा। मुझे लगता है कि इसको यूज़ करने के बाद हमें हाइलाइटर की यूज़ नहीं करना होगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी ग्लिटरी इफेक्ट है। एंड जो इसकी कॉस्ट है वो 499 है, 499 फॉर 25 ml। तो नेक्स्ट मैंने चूज़ किया ये एक मस्कारा जो कि 01 ब्लैक ब्यूटी शेड में है। इसको मैंने एक दो बार यूज़ किया है एंड जब भी मैंने इसको यूज़ किया मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि इसको डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम मस्कारा यूज़ करते हैं तो लोग डबल कोट करते हैं, सेकंड कोट में उसको शेप देते हैं, इसके फर्स्ट कोट में ही आप इसको अच्छे से शेप दे सकते हैं और अच्छे से ये बैठ जाएगा, आपको दोबारा इसको कोट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो इसका ब्रश है वो बहुत ही सॉफ्ट है। मैं मस्कारा को रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं रेगुलरली आई क्रीम लगा के अपने जो आई लैशेज़ हैं उनको शेप दे देती हूँ। एंड अगर आप उस आई क्रीम को जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे उस आई क्रीम का लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने घर पे बनाया है एंड वो एक DIY आई क्रीम है फॉर योर डार्क सर्कल्स, फॉर योर पफिनेस। एंड द नेक्स्ट इज़ आई लाइनर जो कि 04 पर्पल शेड में है। तो मुझे इस आई लाइनर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये छोटे से कंटेनर में है एंड आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको एप्लीकेटर टाइप तरह का आपको ब्रश दिखेगा जो कि आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने ये यूज़ किया है एंड इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लासी लुक आती है।
एंड इस आईलाइनर में बहुत सारे शेड्स थे बट मेरे पास पर्पल मिसिंग था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्पल लिया जाए. एंड जो इसकी कॉस्ट है अराउंड 599. एंड द नेक्स्ट इज दिस ब्लैक पेंसिल. तो इसका जो शेड है वो 05 ब्लैक मैजिक है. तो ये बेसिकली कोहल है, आप इसको एज अ आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं. ये वाटरप्रूफ है, वैक्स बेस फॉर्मूला से बना है. ये इसका जो स्टे है वो आप काफ़ी अच्छा है, अबाउट 8 आवर्स तक. एंड इसको लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा सा ग्लिटरी इफेक्ट दिखेगा. तो मैं आपको अभी यहाँ पे एक बार लगा के दिखाती हूँ कि यह कैसे लगता है. तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम इसको आईलाइनर तक लगाएंगे. एंड इट्स वाटरप्रूफ. तो फिर मैंने ली लिपस्टिक्स. जो शुगर ब्रांड है वो लिपस्टिक एंड क्रेयॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो मैंने इनका ये एक शेड लिया 18 रोज़ा लिंट, जो कि मैट क्रेयॉन लिपस्टिक है. इसको मैंने DIY वाली जो आई क्रीम वाली वीडियो है उसमें मैंने लगाया हुआ है. आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये कैसे लगता है. बट मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि आने के बाद कैसा लगता है. तो आप देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी स्मूथ है, कितना प्यारा लग रहा है. आप इसको बोल सकते हैं न्यूड रोज कलर. इन्हें लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है. तो लास्ट में मैंने लिया स्मच मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, जो कि 37 हॉट एप्रिकॉट शेड में है, जो कि 499 इसकी कॉस्ट है फॉर 4 to 5 ml. एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो इसका शेड है वो कैसे दिखता है. तो आप देख सकते हैं ये मोर टुवर्ड्स पीच है, पीच न्यूड कलर आप बोल सकते हैं इसको. एंड जो रीसेंट ऑफर था शुगर का वो ये था कि अगर आप 1000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको ये मिनी सेट फ्री मिलेगा. तो मैंने 1000 की शॉपिंग की और मुझे ये इस तरह का एक मिनी सेट फ्री मिला. ये लिपस्टिक मिनी सेट है जिसमें ये 4 शेड्स अवेलेबल हैं. अभी इनको ओपन कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो चारों बॉटल्स हैं ये सी थ्रू हैं. एंड ये इनका जो साइज़ है वो सच में मिनी है. ये आई थिंक जब हम इनको ऑनलाइन देखते हैं वो बहुत बड़ी दिखती हैं, बट आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी सी सी थ्रू बॉटल में है. तो मैं आपको 1 by 1 इनको लगा के दिखाती हूँ, तो जैसे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा शेड कौन सा है. तो जो पहला शेड मैं लगा रही हूँ वो है टीक मिस्टीक. तो ये पहला शेड था जो भी हमने पहले लगाया था हॉट एप्रिकॉट वाला. तो अभी ये जो मैंने लगाया टीक मिस्टीक है, तो ये मोर टुवर्ड्स ब्राउन शेड में है. फिर है 01 ब्रेजन रेजन. तो ये मोर टुवर्ड्स मैरून और रेड शेड में है. एंड द नेक्स्ट इज प्लम यम 04. जो कि पिंक शेड में है. द नेक्स्ट इज स्वॉव एंड इसका नंबर है 09, जो कि पीच शेड में है. तो आप अच्छे से देख सकते हैं. तो ये जो 4 लिपस्टिक्स हैं ये जो वो मिनीज हैं जो मुझे मिली हैं, एंड ये जो हॉट एप्रिकॉट है जो मैंने लिया है. तो शुगर की लिक्विड लिपस्टिक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ हैं. जैसे कि आजकल कोविड है और हम मास्क पहनते हैं, और मास्क पहनने के बाद हमारी कुछ ब्रांड्स की जो लिपस्टिक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है मास्क में, जो कि अच्छा नहीं लगता. तो ये जो है ये ट्रांसफ़र प्रूफ हैं, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी आपके मास्क में. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड दूसरी एडवांटेज ये मुझे मिनी लिपस्टिक्स की ये लगती है कि जो लिक्विड लिपस्टिक्स के फ़ैन नहीं हैं, जिनको ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं पसंद, तो वो ये मिनीज ले सकते हैं. उससे क्या होगा, ये उनकी वेस्ट नहीं होगी. ये जो 499 में जो इनका बड़ा पैक आता है वो है 4 to 5 ml इन 499. एंड ये जो छोटे पैक्स हैं ये 1.1 ml है, जो कि आपको एक पड़ेगी 249 में. अगर आप इनका सेट लेंगे तो आई थिंक आपको 899 में इनका पूरा सेट पड़ जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये मेरा पहला हॉल वीडियो है. अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. Thank you.